मोहित सूरी आज एक नाम है और मुझे यकीन है कि बहुत जल्द ये हमसे भी ऊपर जाके चमकने वाले हैं। ये पोस्ट बाहुबली ईरा है जिसमें इन्होंने ये चमत्कार दिखाया है। कौन कहता है कि ऑडियंस सिनेमा हॉल में नहीं होती है? अगर आपके पास कंटेंट होता है, अगर आपके पास वो टैलेंट है, तो यकीनन ऑडियंस आती है और ये फिल्म ने ये साबित कर दिया है। यू फील रिलीव्ड कि 2 साल की मेहनत फाइनली काम आई है और लोगों को पसंद आई है। वी गिव इन अ लॉट और एक ही हफ्ते में डिसाइड होती है कि वो पिक्चर अच्छी है या बुरी है या कुछ भी है। बट आई एम सो ग्लैड दैट एवरीवन हैज़ लव्ड द फिल्म एंड इट्स स्टिल डूइंग सो वेल। थैंक यू सो मच। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। फिल्म ने, ये मेरी 5वीं बुक बनी है और 5वीं फिल्म है जो अभी आई है। आफ्टर कायपोचे, 2 स्टेट्स, 3 इडियट्स और किक का स्क्रिप्ट मैंने करा था और उसके बाद अभी हाफ गर्लफ्रेंड को भी अच्छा रिस्पांस मिला है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। काफ़ी बड़ी भी एक बाहुबली फिल्म के बाद हम आ रहे थे। शुरू में लोगों ने भी मुझे भी थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन फिल्म ने अपने बलबूते पे बहुत अच्छा करा है। आई थिंक मोहित, अर्जुन, श्रद्धा, एकता एंड द होल टीम हैव डन दिस फॉर मी। यू नो, मेरी बुक तो बहुत पहले लिखी थी। I don't see it as half, I see it as full. The success of Half Girlfriend. And मुझे लगता है कि ये फिल्म स्टडी बिजनेस करती गई और फिर मतलब जाकर निकल गई एंड हैज़ बिकम अ सक्सेस एंड इट्स थैंक्स टू मोहित्स हार्डवर्क एंड द ओपनिंग ऑफ द फिल्म। I'm very happy for Ekta, for Balaji, Mohit Suri, Arjun Kapoor, Shraddha Kapoor, Chetan Bhagat. ये चेतन लगातार successes देते आ रहे हैं, तो I'm very happy कि इस फिल्म को भी वो success मिली है। जी, हाफ सेंचुरी मार रही, शुरुआत अच्छी रही है। प्यार जो मिला उसकी वजह से और भी खुशी मिलती है जब दुनिया भर से मैसेज आते हैं, फ़ोन कॉल आते हैं और पता लगता है कि जम्मू हो, बनारस हो, लखनऊ हो, ऐसी जगहों पे पिक्चर हाउसफुल चल रही है। जब वीकेंड शुरू हुआ था तो बहुत अच्छा लगा था और आई थिंक खुशी की बात यह है कि इंडस्ट्री को एक और सक्सेस मिली। जब भी कोई फिल्म अच्छा करती है, डेफिनेटली बहुत अच्छा महसूस होता है। मतलब लोग गए हैं देखने, तो सबको थैंक यू कहना चाहूँगी। और अभी फ्राइडे, आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे बाकी है, तो जिन्होंने नहीं देखी है प्लीज़ गो एंड वॉच इट। मुझे तो बहुत डर लग रहा था बिकॉज मैंने अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस खो लिया था। 5 फ्लॉप दिए थे और लास्ट हिट मेरा 2014 में था मोहित के साथ ही। And I was not sure if I'm going to even continue making films. God has been kind and prayers have worked and the film has done well.